क्वेश्चन 11 करते हैं। क्वेश्चन 11 में कह रहा है 12.5% ऑफ 192 इज इक्वल टू 50% ऑफ एक्स, देन एक्स इज इक्वल टू व्हाट। कह रहा है कि 12.5% 192 रुपए का है, जो बराबर है 50% ऑफ एक्स का, तो बताना है कि एक्स क्या है। आइए सॉल्यूशन करते हैं। 12.5% ऑफ 92 इज इक्वल टू 50% ऑफ एक्स। चलो 12.5% इनटू ऑफ को बदल दिया हमने, 192 है भाई, 192 इज इक्वल टू 50% इनटू एक्स। ठीक है, 12.5 इनटू 192, परसेंटेज हटा दिए तो 100 आ जाएगा, इसके पॉइंट हटा देते हैं, 1000 हो जाएगा, ये 10 मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, 50% हटाया तो 100 इनटू एक्स। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। देखो 10 से 10, 10 से 10 कैंसिल कर दिया क्योंकि 1000 जाएगा इधर मल्टीप्लाई में। ठीक, इसलिए कंफ्यूजन है। 125, अच्छा इस 10 को इससे मत काट देना भाई, इसके रिलेशन चेंज होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 50 इंटू एक्स। अगर 50 को इधर ले आए तो 125 इंटू 192, 50 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, 50 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, 25 के पहाड़े से कट कर रहा हूँ, 25 दूनी 50 और 25 पचे 125, 5 एक में 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो 2 से और कट कर दें, 2 एकम 2, 2 9 18 बच जाएगा, 12 बन जाएगा। ठीक है, तो 2 6 12 फिर कट कर देते हैं, 2 एकम 2, 2 6 8, 2 8 16, कितना आ गया, x इज इक्वल टू 48। x का वैल्यू कितना है, 48। ठीक, ये क्वेश्चन ठीक है, 12 भी ठीक है, ये भी ठीक है यार। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ठीक है, कोई बुरा नहीं है। क्वेश्चन 12 में हमसे कह रहा है इफ 90% ऑफ ए, यदि 90% है ए का, जो बराबर है 30% ऑफ बी का, एंड बी इज इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ ए देन। ठीक है, बी कितना है एक्स परसेंट ऑफ ए का, तब क्या होगा। नहीं समझे, कह रहा है 90% है ए का, जो इक्वल है 30% ऑफ बी का, और बी जो है वो एक्स परसेंट है ए का। ठीक है, समझने की कोशिश करना, आराम आराम से करता हूं इस क्वेश्चन को। बी इज इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ ए, ये गिवन है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स परसेंट ऑफ ए, परसेंट को हटा दे, 100 इंटू ए, ये क्या आ गया, ये बी आ गया। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया मैंने पैटर्न, 90% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी। ठीक है, 90% हटाया, 100 आ गया, इनटू ए इज इक्वल टू 30% हटाया, 100 आ गया, इनटू बी। अगर बी के जगह में ये रख दे तो अपना काम हो जाएगा, पहले इसको इलिमिनेट कर दूं, हटा दिया। ठीक है, तो 90 ए इज इक्वल टू 30, बी के जगह में ये वैल्यू रख दूंगा, एक्स बाई 100 ए, देखो ए से ए कैंसल हो जाएगा। ठीक, आगे में चलते हैं। 90 इज इक्वल टू 0 से 10 कैंसिल कर दिया, 3x बाई 10। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मान लिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू 90 इंटू 10, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 90 इंटू 10 बाई 3, 3 से कट कर रहा हूँ, 3 3 9 30 आ गया। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 300। एक्स कितना हो गया भाई,
देखो कोई मैच कर रहा है तो मार दो, नहीं मैच कर रहा है तो फिर अपना क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यार, कंपेयरिंग क्वांटिटी में हमने इसमें 12 क्वेश्चन आपको करा दिया। ठीक है, और क्वेश्चन कराएंगे जो लेक्चर 3 होगा, 03, उसमें भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद में जो टॉपिक बचे हैं उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप लोग इंजॉय करते रहिए और पढ़ते रहिए।